हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? दिल्ली में तो ठंड का पूछो ही मत, क्या हाल चल रहा है। इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। और यहाँ पर ना मैंने रात को कुछ मसाला जो है, यहाँ पर मसाले मैं सारे रखती हूँ, तो ये मैंने वॉश करके रखा था, तो बस अभी इसी में सारी चीज़ें अरेंज करके रख दूँगी। आप किस किस शहर से हैं और आपके वहाँ सर्दी कैसी है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड पड़ रही है, 15-20 दिन की ठंड होती है, पर इतनी ज़्यादा ठंड रहती है उस 15-20 दिन में भी, तो क्या ही कहने। बस यहाँ पर एक एक करके ना मैं मसाले सारे इसमें अरेंज कर दूँगी। मसाले भी मेरे ख़त्म होने वाले ही हैं, तो जब लेकर आऊँगी तब वो इसमें और फिल कर दूँगी। अभी मैंने इसको वॉश करके रख लिया है। ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें आपके सारे मसाले आ जाते हैं। कम से कम इसमें 12 सेक्शंस बने हुए हैं, 12 बॉटल्स हैं इसकी, और 12 बॉटल्स में अच्छे खासे मसाले मेरे आ जाते हैं। और साथ में देखिए एकम भी मेरे साथ डालने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी कुछ मम्मी की हेल्प करवा दूँ। देखिए कितने 12 सेक्शंस बने हुए हैं इसमें। और आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए एकम की ये जो छोटी छोटी है ना शरारतें, ये तो इतना शरारती बच्चा है। अभी ये मूंगफली की चिक्की लेकर बैठा है इसको खाने के लिए। खाई जाएगी नहीं, बट इसको है शौक कि मैं लेकर बैठूं और खाऊं। और अब चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज मैं हरे मसाले की सब्जी बना रही थी, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर भी कर लेती हूँ इसी बहाने। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर में ना धनिया लिया है और लहसुन लिया है और हरी मिर्ची ली है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच दही के डालूँगी। आप चाहे तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बट दही डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। और यहाँ पर मैंने कुछ आलूओं को ना उबाल लिया था, उबाल के मैंने इनको इस तरह से कट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं लाल मिर्च डालूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, और बस आपको इसको अच्छी तरह से ना फिर मिक्स कर लेना है। थोड़े हल्के हाथों से कीजिएगा कि ताकि आलू आपके मैश ना हो, ना टूटे। बस हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल रख लिया है, और मैं इसको आलू के 2 बैचेस को फ्राई करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी। बस हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और चलिए इसके बाद ना मैं आपको ऊपर का मौसम दिखा देती हूँ बाहर का, कि कितने ज़्यादा अभी भी फॉग है। दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 से 1.5 बजे का टाइम होगा, और देखो कितनी फॉग पड़ी हुई है। इसी फॉग के कारण मेरे जो बेचारे पौधे हैं ना, ठंड के मारे क्या ही कहें। तभी मैंने इन पौधों को ना एक साथ ही रखा हुआ है कि इनको ठंड ना लगे। कुछ पौधे तो सरवाइव कर जाते हैं, पर कुछ पौधे नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर मैंने आलू भी मेरे फ्राई होने ही वाले हैं, ये देखिए मैंने उनको फ्राई करके निकाल लिया था। और सेम ही ऑयल में, सेम ही कढ़ाई में अब हम मसाला रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1 तेज पत्ते को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ले लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप एक बार ना इस तरह की रेसिपी ज़रूर बना के देखना, हरे मसाले के आलू बहुत ही यमी बने थे और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इनका एक डिफरेंट सा टेस्ट आता है। और बस यहाँ पर मैं नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार, और थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। रेगुलर रूटीन के जो मसाले आप यूज़ करते हैं वही मसाले जाते हैं बस इसमें। और फिर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, एक भुना मसाला रेडी करेंगे इसके लिए।
बस मैं इसको चला चला के अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें मैं सूखा धनिया डालूँगी 1 चम्मच और भुना हुआ जीरा 1 चम्मच। आप तड़के को जितना भूनते हैं ना, जितना अच्छी तरह से भूनेंगे सब्जी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आता है। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी क्योंकि मसाले ना नीचे जल ना जाएं, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। और देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। बस अब इसमें जो हमने हरा मसाले की पेस्ट रेडी करी थी वो इसको मैं मिला देंगे अच्छी तरह से। इसमें दही डला हुआ है तो जब तक एक उबाला ना आ जाए ना तब तक आप इसको चलाते रहिएगा। और देखिए ऑयल जो है अभी भी आपको सेपरेट होता नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस रेसिपी को, मुश्किल से 15 मिनट्स ही लगते हैं अगर आपके पास आलू जो है वो बॉयल रखे हो तो। बस आलू भी हम ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स दे देंगे एक अच्छा सा। आप चाहो तो आप इसको सूखे भी, मतलब कि ज़्यादा पानी मत डालिएगा इसमें, आप इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी और आप इसमें क्रीम ज़रूर ऐड कीजिएगा। घर की मलाई हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं हमेशा घर की मलाई ही यूज़ करती हूँ। बस इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी, एकदम क्रीमी सा टेस्ट आता है इसका सब्जी का, और हरा धनिया डाला तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनी थी और बहुत अच्छी बनती है ये। आप इसको परांठे के साथ, पूरी के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। मुझे थोड़ी ग्रेवी वाली लटपटी से अच्छी लगती है सब्जी, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैंने तो उसको परांठे के साथ खाया था, बहुत ही यमी थी। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो। बस थोड़ी देर बस को ढक कर रख दीजिएगा और फिर देखेंगे ना ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। तो बस हमारी रेसिपी रेडी है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।